नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क प्रैक्टिस के दौरान गंभीर रूप से हुए चोटिल, घुटने में आए 30 टांके। स्टार्क ने सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने का बनाया था रिकॉर्ड। श्रीलंका के पूर्व स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने भारत के हेड कोच अनिल कुंबले को बताया चालू, कहा उन्हें पता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है। टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कुंबले और विराट कोहली। फुटबॉल में भारतीय टीम ने लगाई छलांग, फीफा रैंकिंग में 4 स्थानों की छलांग लगाकर 138वें पायदान पर पहुंची। वर्ल्ड रैंकिंग में 37वें नंबर पर बरकरार है भारतीय फुटबॉल टीम। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा क्रिकेट जगत में पसंदीदा कप्तानों में से एक हैं विराट। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीते हैं 60 टेस्ट मैच। खेल मंत्रालय की शानदार पहल, बच्चों को खेलों के लिए मौका देने के लिए टैलेंट सर्च पोर्टल शुरू करने का लिया फैसला। 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है यह योजना। और चैंपियंस लीग में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने पुर्तगाली क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन को हराया, 2-1 से दी शिकस्त। स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल्वारो मोराटा का रहा शानदार प्रदर्शन। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।